शुरुआत कर चुके थे हम, लेकिन इसके अंतर्गत हमें जो ध्यान रखना है, संभवतः है पिछली लास्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो हमने शुरू किया था, संभवतः वो फ्लो चार्ट आ चुका था। कहाँ तक आया था मैं नहीं कह सकता, शायद आगे होगा, मुझे ध्यान नहीं आप देखने कहाँ तक आया। संभवतः जहाँ हमने शुरू किया था एक दिन कहाँ से ज़्यादा रहा सर, सर बोर्ड पकड़ा हुआ, हाँ एक दिन 58 पर कमन याद होगा, और उसके बाद पर चार्ट बना हुआ है क्या? अच्छा हाँ, आपने नहीं है, अंदर आ गया जब हम कंसीडर करते हैं कि किस तरह से संविधान बना, तो उससे पहले बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखनी होती हैं कि हाउ इट वाज स्टार्टेड सिंस द वेरी बिगनिंग। आज हम उसी यात्रा को करेंगे और एक लैडर बनाएंगे, सीढ़ी। देखिए सीढ़ी पर चढ़कर गए ऊपर पहुंचते हैं, तो हमारी यात्रा 1858 से शुरू होगी, 1858 से शुरू करके हम पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तक। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या चीजें उसमें बाद हमें आए, और वहां से फिल्म्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल के अंतर्गत भारत कब आया, कौन से एक्ट के माध्यम से आया, ये कुछ चीजें साथ साथ हम देख चलेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब आया, मैंने शायद लास्ट मुझे ध्यान आ रहा है कितना बता दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, याद होगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से आया, भ्रम होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड, हम सब जानते हैं ट्रेड के लिए वो भारत आए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने तीन क्षेत्रों में लास्ट वो बनाया था, रक्षा बनाया था, नीचे वाला पोर्शन बना था ना, नहीं उस क्लास में बना होगा, मुझे ऐसा लगा है ही बना। ये भी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो थोड़ा आगे चल रहे हैं आपसे, तो वहां से हम प्रोसीड करेंगे। सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, देयर ऑब्जेक्ट वाज ओनली टू मेक इट ट्रेड। क्यों? क्योंकि भारत ये कहा जाता था कि नेचुरल रिसोर्सेज में नंबर वन है, और इसीलिए वो फेमस। इसके अलावा आप जानते होंगे सिल्क रूट, इंडिया वाज आल्सो ए गुड प्रोडक्टर ऑफ सिल्क क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरर, और ये उस समय से नहीं, भारत व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के समय से करता चला आ रहा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल व्हेन वी कंसीडर द सिंधु घाटी सभ्यता, वी फाइंड, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरू करेंगे, उससे पहले भी करते हैं, लेकिन जो सिविलाइज्ड कल्चर हम कहते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, एंड इट वाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जोड़ते हुए, और उस समय से क्योंकि भारत एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में अच्छी स्थिति में था, इसके अलावा कपड़ा बनाने का व्यापार का काम, अन्य चीजें भारत में अच्छी स्थिति में थी, अच्छा डेवलप सिस्टम था, तो सब जगह यह था कि भारत पहुंचो, व्यापार भारत से करो। हमेशा कंधाला आदमी से कौन व्यापार करे, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, मैं इनसे कहता हूँ भाई साहब एक को कैफे खोल लें, ये क्या कहेंगे? इसके अलावा मुझे कोई नहीं मिला दरिद्र आदमी के साथ कैफे खोलने में, ये अच्छा दोस्त ढूंढेंगे जिसके पास पैसा हो या फिर कोई हुनर हो। भारत के पास दोनों चीजें थी, तो इसलिए सब भारत की ओर आकर्षित थे। आपने देखा होगा बासपोड़ी का मां, इसके अलावा एक वो जाते जाते नई दुनिया की खोज कर दी, इसने करी थी नई दुनिया की खोज। कोलंबस अमेरिका की नई दुनिया कहलाता था, अमेरिका नई दुनिया की खोज अमेरिका की, लेकिन उसकी इंटेंशन अमेरिका खोजने की नहीं, क्यों नहीं थी?
क्योंकि अमेरिका के जिस क्षेत्र में वो पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था, सिविलाइज तो था ही नहीं वहां, कुछ डेवलपमेंट के कुछ भी नहीं था, केवल जंगल था। ऐसे जैसे द्वीप पर पहुंच गया होंगे द्वीप पर, और वहां आदि लोग, आदि मानव लोग रहते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में भी दो तरह की नस्ल के लोग रहते हैं, एक तो जो है ब्लैक और व्हाइट का झंडा मारा है। तो उस समय जो उस समय की स्थिति थी वो ऐसी, लेकिन वो किसके लिए निकला था? वास्को डी गामा क्या खोज में निकला? भारत की खोज। कई बार एक बुक आप देखते हैं भारत एक खोज, किसकी है? देखो भैया जी के प्रश्न हिम्मत कर लो, ढूंढना है जी। ये एक समय की बात है, आप लोग तो होंगे भी नहीं, नहीं होंगे तो एक टीवी सीरियल आया करता था DD1 का। DD1 मैं नहीं समझता आप में से कोई बहुत देखता हो, लेकिन अगर देखना चाहें तो उसमें पार्लियामेंट चैनल है, उसे जरूर देखा करो, कि उसमें सारी की सारी जो प्लान है सरकार की, योजनाएं वो सब आती है, और उनकी सबको आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी समय में DD1 पर एक सीरियल आता था भारत एक खोज के नाम से, और उसमें ऋग्वेद की ऋचाओं से शुरू करते थे, जब कुछ भी नहीं था। अगर आप YouTube पर डालेंगे तो उसकी शुरुआत इसी तरह से होगी, वो उसके वेद के जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनसे शुरू होता है, और उसमें शुरू होकर के उससे अगर उसे भी गौर से सुनेंगे तो आप देखेंगे जब कुछ भी नहीं था तो ये था वो था, वो सब कर करके ये बताते हैं कि केवल ईश्वर के माध्यम से सब था। और उसमें पूरा जो हमारा भारत की संपूर्ण हिस्ट्री है पाषाण काल से समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से वही, और मॉडर्न इंडिया तक, भारत के स्वतंत्र होने तक पूरा देख सकते हैं। उसे बीच में काट काट करके आप देखें तो बहुत सारी चीजें पता लगेगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना भी आपके बीच में आया। लेकिन यह मैं जो शुरू कर रहा हूं इस समय वो स्पेशली आपको केवल उसी चीज से शुरू करते हुए केवल एक चीज बतानी है, ये नीचे वाला पोर्शन जो भारत का है, यहां देखते हुए चलते हैं, ये आप सभी ने देखा होगा यहां करके इस तरह से हो जाता है, इस तरह का कुछ है, लेकिन हमारा ऊपर से मतलब नहीं है, यहां से ही है। यहां से क्यों मतलब? क्योंकि अंग्रेज ऊपर नहीं आए, यही तीन जगह उन्होंने कब्जे किए थे, कब्जे नहीं कह सकते, वहां के राजाओं से पूछ कर गया है। यहाँ पर बॉम्बे समझ लें, ये गोवा के आसपास की स्थिति है ना, और यहाँ वो इसलिए नहीं आ सकते थे, यहाँ पहले से पुर्तगाली थे। आपको मालूम है भारत में फ्रेंच डच सिस्टम है ना, इसके अलावा पुर्तगाल, ब्रिटेन, अंग्रेज, देखो इंसान कितने लोग, कंपनियां नहीं कह रहा मैं, देशों की बात बता रहा हूं, कौन कौन से भारत में थे किसने, जिससे कि आगे नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त किया जा सके। और सबसे ऊपर ये क्षेत्र भी ऐसा नहीं था, ये ऐसी छोड़ रखा था, अफगान मुगल्स वो इधर से थे, अंग्रेज यहां थे, सूरत क्या कहना चाहिए, गोवा, गोवा या वो जो थे, इसके अलावा इधर की तरफ मद्रास वगैरह के, उन सब जगह पर वो क्या करते थे, उनका केवल उद्देश्य था कि नेचुरल रिसोर्सेज तो यहां से लेकर के हम फैक्ट्री यहीं लगाएं, जिससे कि हमें कच्चा माल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ना करना पड़े, उसे लाने ले जाने की ढुलाई का बात खत्म हो, और भारत की जो गुडविल है कि ये भारत का बना कपड़ा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग चीज है, उसका लाभ है। भारत पूरे विश्व में इस चीज के लिए जाना जाता था कि कपड़ा अच्छा बनता है। तो अंग्रेजों ने बॉम्बे में और सूरत में अपनी फैक्ट्रियां लगाई, और इस सब के संदर्भ में केवल तीन चीजें, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, दीज आर थ्री प्रेसिडेंसी एरिया। प्रेसिडेंसी एरिया का मतलब दैट एरिया इन विच देयर वर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम एंड सेटल्ड। उन्होंने वहां के राजाओं से कहा कि जी हमें व्यापार करना है,
हम अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री में आपके लोग काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी फैक्ट्री को जिससे स्मूथ रूप से चला सकें उसका प्रशासन हम अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। तो एक तरह से कॉलोनियल शासन की शुरुआत एक तरह से यहां से होती है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं था सिवाय इसके कि वो जिस तरह से अपने यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज को कंट्रोल करती थी, उन नियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती। और आपको सुनकर के हर्ष होगा, अब से चार पांच साल पहले उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के एक व्यक्ति ने खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, लेकिन वो इसी स्थिति में है कि वो भारत के आदमी ने खरीद लिया, तो समय की बात। तो यहाँ ये सब इस तरह से थे, और इन्होंने तीन प्रेसिडेंसी एरिया बनाए, उनके लिए अपने नियम बनाने की बात की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर नियंत्रण रखने के लिए, उनके रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773, अन्य सेटलमेंट एक्ट या क्राउन की तरफ से जो चार्टर जारी होता था। तो एक तरह से वो सीधे पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं, यहाँ हमारा कहना है। लेकिन हमें याद रखना है डच, फ्रेंच और ये क्या नाम पुर्तगाली और ये क्या नाम ब्रिटिश और इसके अलावा अफगान, इसके अलावा जो हम कह सकते हैं अफगान तो बाद में एग्जिस्टेंस में आया, उस समय भारत का भाग, और इसके अलावा हम कह सकते हैं मुगल, कितने चीटे चिटियां चिपटे हुए थे। आज घर पे जाकर प्रयोग करना डांट पड़ेगी वैसे घर पे जब आप ये काम करेंगे। चीनी अपूरा का इंडिया का ऐसे ही नक्शा बनाना और उसे रात भर के लिए छोड़ देना, सुबह क्या होगा, आगे जाए ना जाए, लेकिन वहां चीटियां चीटे बहुत सारे दिखाई देंगे, और वो कई ओंडियों में द सेम कंडीशन वाज ऑफ इंडिया। इंडिया एक तरह से इतना प्रोस्पेरस था, वो एक तरह से उन्हें आकर्षित इस तरह से करता था जो चीटियों को सुगर करती। इट वाज द ओनली कॉज दैट दे वर ट्राइंग टू कम इन इंडिया। बस इससे आगे से बढ़ते हुए हिस्ट्री का क्वेश्चन आला किए, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, किसी ने, किसने पढ़ी है, आप उठा दो, वेरी गुड, उसी बच्चे को पकड़ूंगा पीछे वाले। आपने एक चीज देखी होगी हिस्ट्री में, कहा बीए वगैरह में एमए में लिया है हिस्ट्री, कहा कैसे पढ़ा है? या जीके के लिए पढ़ा है? किसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में किया है? और तो किसी ने भी नहीं किया, मुझे तो क्वेश्चन पूछेगा, नहीं हम नहीं जानते जी, हिस्ट्री का एच भी नहीं जानते, लेकिन जानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो बताना आपको पड़ेगा ही क्वेश्चन, पीछे से शुरू कर रहा हूँ, जिन्होंने हाथ उठाया फिर मैंने कोई गलती कर दी हाथ उठा करके। बस एक चीज बतानी है कि आपने एक सिस्टम देखा होगा सिंस प्रारंभ से, एक सिस्टम देखा होगा कि जैसे ही कोई भारत में आया उसने यहां के राजाओं को हराया और यहां शासन करना शुरू किया। फिर उसके बाद दूसरे लोग आए, वो जब इतना मजबूत था, सब कुछ था, उसने भारत को सब हरा दिया, दूसरे आने वाले ने उसे हरा दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ जो भारत में था उसने भारत से आने वाले को हराया। इसके पीछे कारण क्या है? यहां से आपके आईएएस की प्रिपरेशन का एक तैयारी शुरू होती है। इधर से पूछ रहा हूं, पीछे कोई हाथ उठा रहा है? हाँ बेटा, हाँ फिर से करता हूं मैं। देखें, अगर हिस्ट्री का पूरा सिस्टम देखें, उसमें हमेशा बाहर से लोग आए, भारत में रहने वाले राजाओं को, वहां के लोगों को हराया और शासन किया। फिर उसके बाद कोई दूसरे आए, उन्होंने पहले जीतने वालों को हरा दिया। क्या कारण है इसके? जी पीछे नहीं, हम बाहर वालों से एकता क्यों करते? वो तो आए थे, उनसे तो हम लड़ते नहीं, तो हम तो भारत वाले तो पहले ही हार गए थे। हमारा कहना है हमने तो पहले आकर के मुगल ने हरा दिया, लेकिन उसके बाद मुगल को भी लोगों ने हरा दिया। यहां ने जो भी भारत से आया, आक्रांता जिसे हम कहते हैं, है ना, अटैक करने वाला कहते हैं, वो तो जीता, भले वो जो भारत में आकर के बस गया, भले वो मुगल थे, फिर वो क्यों हार गए? वो तो बहुत मजबूत थे, उनके पास टेक्निक भी थी, उनको तो
पहले कॉन्स्टिट्यूशन से एकता थी, उनका प्रशासन मजबूत था, लेकिन वो हारे, उसके पीछे कारण क्या था? और कुछ किस चीज का लालच? सुधार नहीं हो, इसे लालच नहीं कहेंगे, आलस कर। और ये अंदर आप एक चीज नोट करिए, जिन बच्चों के पास, अब इस समय डेपिक्ट कर रहा हूँ आईएएस पीसीएस के लिए या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इस चीज को ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास अधिक सुविधा होती है, कुछ एक्सेप्शन है, जनरली वो क्या करते हैं, उन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। भारत में जो भी रहा, जो भी उन सुविधाओं को लाभ लेने वाला रहा, उन रिसोर्सेज को लाभ लेने वाला रहा, वो उन सुविधाओं की वजह से आलस में आ गया। द सेम कंडीशन कंफर्ट जोन इन इंडिया, वी फील दैट देयर इज अ कंफर्ट जोन। क्यों? नेचर ने सब कुछ दिया है, कश्मीर में चले जाओ बिना कुछ करे, बदाम किसरे को मजा आओ, सेब, सेब कहते हैं डॉक्टर कहते हैं मुझे ना एक सेब खाओ, और सेब के पेड़ लगे पड़े। तभी यदि आपने महसूस किया पहाड़ों पर जाकर के वहां का पानी पी करके देखना, देर इज नो नीड फॉर आर ओ, वहां का पानी आर ओ से कहीं ज्यादा बढ़िया है मिनरल्स लिए हुए। लेकिन ये सुविधा उन देशों में नहीं है जहां लोग घड़े लेकर के कई कई किलोमीटर एक एक घड़ा भरने के लिए जाते हैं। रेगिस्तान एरिया, डेजर्ट एरिया, अफगानिस्तान से आगे पहुंच जाओ, अफगानिस्तान का फोटो देखा आपने लड़ाई के दौरान, जब भी तालिबानी लड़ाई हो रही थी टीवी में देखा नहीं, क्या देखा था मैंने, दो चार कोई टूटे फूटे से मिट्टी के घर दिखाई देगा तो दिखाई देगा, तो मन से निकलते हैं लड़ किस चीज के लिए रहे, रेत के लिए? इंग्लैंड में चले जाओ, दो साल रह के आना, ना खाली कर जाए, वहां गर्मी नहीं आती, सर्दी रहती, और वो संडे जो नाम है मैं समझता हूं इसी तरह पढ़ा अंग्रेजों ने इसलिए रखा, आज सूरज वाला दिन है संडे, वी शुड एंजॉय, वो वहां समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं लाइन लगा, तो एक तरफ सूखा है दूसरी तरफ बर्फ है, सब जगह मैं समझता हूं प्रकृति ने खेती करने की स्थिति नहीं दी है, नेचुरल रिसोर्सेज इस रूप में नहीं है। इस चीज को छोड़कर के पेट्रोल सऊदी अरब में है, कुछ अन्य चीजें हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः जो बैलेंस प्रकृति की स्थिति थी वो भारत में थी, और इसीलिए इन्होंने भारत में आने की प्रयास किया, और जो भी भारत में आया वो इजी गोइंग हो गया, क्योंकि एवरीथिंग बात इजीली अवेलेबल, जिन बच्चों को उनके माता पिता आसानी से सब चीज उपलब्ध कराते हैं उन्हें उसका मूल्य समझ में नहीं आता, और जिनके पास सारी फैसिलिटी है उन्हें इस चीज को समझना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनके पास चुनौती है कि वो उनसे ऊपर कर सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आपने देखा होगा, कहां से निकल दो, राजा को हरा दिया, नंद राजा था उसे हरा दिया, करप्ट भी था वैसे भी बेकार था, तो क्यों हारते हैं? क्योंकि हम आलस में आ गए, बुराइयां हमारे अंदर घर कर गई और हार जाते हैं। द सेम कंडीशन वाज इन इंडिया एंड इट आल्सो गिव्स द लेसन, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा लेसन देती, इट आल्सो गिव्स द लेसन टू यू ऑल, आप सबको भी ये लेसन देता है कि आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, सुविधाओं की वजह से अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, और जिनके पास सुविधा नहीं है उन्हें संघर्ष करना है, डिप्रेशन में नहीं आना। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए दूर दूर से आते हैं, उस दिन बात हुई थी बहुत अच्छे है इस तरह, लेकिन अब वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। इस स्थिति में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कंपनियां एस्टेब्लिश की, यहाँ के लोगों को अपने यहाँ रोजगार पर रखा, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सबसे पहला अटैक उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, जो हमारे कारीगर थे उनकी जो कपड़ा बनाने की हैंडलूम और उस तरह की चीजें थी वो सब ठप हो गई। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कपड़ा बनाने वाली कंपनी में 50 पैसे के बजाय 2 रुपए के मजदूर हो गए, क्योंकि हम अपने उसमें 50 पैसे रोजाना कमाते थे तो हमें 2 रुपए देते थे, हमको छोड़ देगा, बाद में लाल मार करके बात कर दिया।
या अपनी शर्तों के अनुसार हमसे काम लेने लगे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। इट मींस फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक वाज द इकोनॉमिक अटैक ऑन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। दैट वाज द कॉज दैट वी बिकेम स्लेव। हम किस लिए गुलाम बने अंग्रेजों के? क्योंकि ये कारण था पहली चीज। अगर हम इकोनॉमिकली साउंड हैं, आज भी स्थिति ये चल रही लड़ाई इकोनॉमिक्स की, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज को। अब यहां हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो शासन अपने हाथ में लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अध्यधीन हम आ गए, ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत हुई। क्या हुआ कि 1857 आप सबको मालूम है, 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार हुआ। ज्यादा कुछ ना कहकर के सीधे हम उस चार्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि आप पहले ही पीछे हैं थोड़ा सा। मैं चाहूंगा कि उसे आज बना दें तो हम पीएमबिल तक पहुंच सके। आज तो मैं पीएमबिल लिखा था, उसके भी पीएमबिल होना है, लेकिन मैं फिर भी आपको देना चाहूंगा जिससे कि अगर वो बेसिक नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे देखें। सबसे पहला आप रखें सबसे नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18, नोट कर लेना, नहीं भी दिखाई दे रहा हो नीचे आ गया। मैं बोल रहा हूँ नोट कर लें, यहाँ मेरी लिखनी इतनी मजबूरी है कि जिससे कि यहाँ तक दो चार पहुंच सके। मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट वॉज द फर्स्ट एक्ट विच प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहां इसके चार्ट को थोड़ा सा देखेंगे, कंसिडर करेंगे और फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रेस्पेक्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसके सामने आप लिख लेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल इन इंडिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण खंड क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल इन इंडिया। नोट कर लेंगे, हिंदी में लिखूंगा। अधिनियम हिंदी में कर ले, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ब्रिटिश संसदात्मक नियम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के नियमांतर्गत संचालित हुआ। ब्रिटिश संसद के नियमांतर्गत संचालित हुआ, इंग्लिश में हम कहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल इन इंडिया। नोट कर ले, मैं बोल रहा हूं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल इन इंडिया केम एट द वेरी फर्स्ट टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो और जगह और जिलों में क्लासेस अभी चलनी शुरू नहीं हुई है। मुझे इसका एहसास हुआ आज दोपहर को या सुबह, एक बच्चे का फोन आया बुलंदशहर, सर आप मेरठ से बोल रहे हैं? उनका हाँ जी, मैं अभ्योदय में इस बार सेलेक्ट हुआ बुलंदशहर से, लेकिन हमारी क्लासेस शुरू नहीं हुई। उनका कहना है मेरठ जाकर पढ़ो, अभी हमारी शुरू नहीं हुई। उनका भी बात करो वहाँ पर शुरू हो जाएंगी, नहीं तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर हैं उनसे बात करो, वो एक्टिव है, नंबर ना हो तो मैं दे दूंगा। उन्होंने क्यों, इसका मतलब आपकी चीजें जा रही हैं कि मेरठ में बीकान ढंग से आपकी क्लासेस चल रही हैं।
पहला पॉइंट आ गया मैं समझता हूँ। इसे याद रखेंगे दो चीजें हम यहाँ एक साथ रखकर चले, ब्रिटिश पार्लियामेंट की रूल इन इंडिया इंग्लिश में आ चुका, ठीक है ना, कहीं पर दिखता तो पूछना हो तो पूछ लेना। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल कम एट द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कौन से एक्ट के द्वारा भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल के अंतर्गत आया, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पहला होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट इसके ऊपर दूसरा जो होगा अब दिखाई देने लगेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये अलग एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो यही का पहला 1858 का, लेकिन 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसे हिंदी में कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम असल बात क्या है कि जब भारत ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल के अंतर्गत आया, तो यहां के संचालक के लिए गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई, वो वायसराय का भी काम करता था और उसे जो शक्ति दी गई तो उसकी काउंसिल बनाई गई, उसकी सलाह के लिए एक कानून बनाने वाली सलाहकार समिति थी जिसके आधार पर आगे झगड़ा शुरू हुआ, एक उसे क्रियान्वित करने वाली थी जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो यहां पर इस काउंसिल में देयर वर टू काउंसिल फॉर द गवर्नर, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल फॉर गवर्नर, फर्स्ट पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेकेंड पास लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1861 के द्वारा ये दो काउंसिल की जो स्थापना की गई उसके द्वारा ये कहा गया कि भारत ब्रिटिश रूल के साथ साथ हम कह सकते हैं भारत में पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, देख अंतर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल के अंतर्गत तो इसमें आया लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज एडॉप्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम बाय मेकिंग द काउंसिल बाय दिस काउंसिल एक्ट 1861। तो इसके सामने केवल आपको लिखना है कि इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहली चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इससे पहले कभी भी भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हाँ ये जरूर था कि भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत आ गया 1861 में और उसके अंतर्गत आने के बाद भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आने के साथ पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया, जिसमें हम कह सकते हैं स्पेशली कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई दिस एक्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम परिषद अधिनियम, पार्लियामेंट्री सिस्टम बाद इंट्रोड्यूस लिख देना है लास्ट वाले, पार्लियामेंट्री सिस्टम बाद इंट्रोड्यूस हिंदी में करते हैं, रह गया पार्लियामेंट्री सिस्टम बाद इंट्रोड्यूस भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था, हिंदी में लिखेंगे संसदात्मक व्यवस्था प्रथम बार भारत में लागू की। दो क्वेश्चन अलग अलग कंफ्यूज मत होना,
कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल के अंतर्गत तो आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हाँ, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए जो पारित किया इंडियन काउंसिल एक्ट किया, क्योंकि हमारे लिए कानून बनाने की शक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिली 1858 से। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को शक्ति मिली कि वो भारत उपनिवेश के लिए कानून बनाए, और उसके तहत उन्होंने पहला एक्ट पारित किया, दैट वाज क्या नाम, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और इसके द्वारा पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। शायद डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, प्रॉब्लम तो पूछना, पहली बार जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया गया, अगर कहीं पूछा जाता है तो सन पूछेंगे वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम बाय एडॉप्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडियन काउंसिल एक्ट, ये याद रखना, मैं ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूंगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, और बढ़िया होगा, क्योंकि अभी हम कोपअप नहीं कर पा रहे हैं उस वाले बैच के साथ, इसलिए पहले मुझ तक पूछा, तो फिर उसके बाद हम बराबर बराबर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके साथ पहली बार हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, और पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, भारत में गवर्नर्स काउंसिल बनाई गई, दैट वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंसिल, काउंसिल का मतलब एक तरह से मंत्रालय जैसा होता है, फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, मोस्टली दोनों में ही ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, लेकिन कुछ पहली बार भारत को जो प्रतिनिधित्व दिया गया भारत के लोगों को, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया, कानून बनाने वाली संस्था में दिया गया, उसे लागू करने वाली संस्था में नहीं दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे लागू करने वाली, और यहीं से हमारा डिस्प्यूट शुरू होता है, कैसे होता है यहां पर। यहां पर हम कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट में जब यह चीज दी गई, क्या था कि जब अंग्रेज, क्या कहना चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह ज्ञान हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़ी गड़बड़ की, तो यहां की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए यहां के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन लेकर के इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत इसे कर दिया, और ये कहा यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए हम यहाँ तक काउंसिल बनाते हैं, गवर्नर्स काउंसिल जिसे हम कहेंगे, और उन काउंसिल में कानून बनाने का काम वो काउंसिल करेगी भारत के लिए, और उसे लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। ये अभी तक यहाँ तक की स्थिति है, एक सुधार की स्थिति और रखी गई, क्योंकि हम जब कोई घटना घटती है तो उससे बहुत सारे हम क्या लेते हैं, लेसन लेते हैं। अभी जब सेकंड बार कोरोना आया और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो वहां से भारत की सरकार ने, यूपी सरकार ने एक लेसन लिया कि हमें ऑक्सीजन को रिजर्व में रखना पड़ेगा मेडिकल पर्पज के लिए, जैसे वहां मेडिकल कॉलेज है, अन्य इस तरह के कॉलेज हैं, वहां पर यह फैसिलिटी दी गई कि हमेशा ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन जनरेट करने वाले यंत्र लगाए। कहां से सीखा, आपदा से। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के प्रति उदासीन थी, वो भी ये चाहती थी कि भारत में असंतोष अव्यवस्था ना हो, कानून का राज बना रहे, इसलिए लोगों की मीटिंग हुई, संसद ने कहा कि वास्तव में ये बड़े सोचने विषय की बात है, हमने ये बना तो दिया, कानून बनाने वाली संस्था बना दी, लेकिन वहां प्रश्न ये था, चुनौती एक थी कि भारत में असंतोष का हमें पता कैसे लगे, जो ब्रिटिशर्स थे वे शासन करने आए, वो यहां के वातावरण, यहां की परिस्थिति, यहां की भाषा, यहां के लोगों से परिचित नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता थी जो उनके लिए विसिल ब्लोअर का काम करे, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे। तो
प्रेशर कुकर किन किन के यहाँ यूज होता है? क्योंकि अपने कोई वाला क्वेश्चन किया, आज तो किस शब्द में होता है प्रेशर कुकर में? कभी गौर से देखा है आपने, साइड में एक सिक्का सा बना रहता है, क्यों बनाया जाता है? जी मेरे को तो साइंटिस्ट मैंने थोड़ी बना। हाँ, अगर प्रेशर कुकर में अधिक गैस मिल जाती है और उसकी वो जो विसिल वाली जगह होती है वो कहीं रुक जाती है, तो जिससे विस्फोट ना हो और वो सेफ्टी वाल्व से आसानी से गैस उसकी लीक हो जाए, पहले वो खुलेगी तो प्रेशर कुकर फटेगा नहीं, वहां पर गैस निकल जाएगी। तो फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वाज जस्ट लाइक सच अ प्रेशर कुकर। उसमें कितनी गैस है, कितनी आग उगल रही है, इसका पता लगाने के लिए उन्हें एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है। एंड व्हाट वाज दैट सेफ्टी वॉल्व? जिसकी भी नजरें इधर उधर जाती हैं मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये पूछेंगे क्वेश्चन क्या था, देखो देख गए। मैं आपसे भी पूछ रहा, मैं इनसे पूछ रहा हूं। हाँ, मुझे मालूम था। अब बहुत साल हो गए ना पढ़ाते हुए बैठे हुए। मेरा असल बात है, मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई भी माइंड से क्लास से बाहर ना हो। शरीर से बाहर जा सकते हैं लेकिन माइंड यहाँ छोड़ जाओ, कर सकते हैं ऐसा? आजकल ये भी संभव हो गया ऑनलाइन क्लासेस में, आपका शरीर तो यहाँ नहीं होता लेकिन माइंड होता है। बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े हुए होंगे, मैं नहीं कह सकता कितने जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास उनसे कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, दिक्कत है। अगर वो ईयरफोन वाली लीड हो, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो देट विल बी मोर गुड क्लास एज आई थिंक। मैं जो क्लास लेता हूँ उसमें तो वो लीड लगी रहती है, तो ऑनलाइन जो बच्चे हैं सीधे कम्युनिकेशन में होते, मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ। और अच्छा पता नहीं कुछ ईश्वर की कृपा है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो ये पूछते हैं कि क्वेश्चन क्या, तो मुझे पता लग जाता है अगर लेटा हुआ है या अगर चौराहे पर है। तो मेरा कहना है कि अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो चौराहे पर मत पढ़ो, घर में भी एक चौराहा होता है, सब घरों में, तो हमारे में नहीं है। जो मेन कॉमन रूम होता है ना, कोई ना कोई वहां से निकल कर आएगा, गुजर कर आएगा। वही मेज पड़ी है, डाइनिंग टेबल बोल से पड़ी है, सुविधाजनक है, वहां बैठे नाश्ता भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ये करा होगा आप सब लोगों ने ऑनलाइन में, और फिर टीचर को आपने दोष दिया होगा कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता। भैया ऑनलाइन पढ़ने के लिए बंद कमरे में अलग पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन तो रही है, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन क्या क्या। हाँ, विसल ब्लोअर, वी वर टॉकिंग अबाउट इज द सेफ्टी वॉल्व इन प्रेशर कुकर। नहीं, प्रेशर कुकर यूज किया कभी? नहीं, मम्मी जी बना कर दे देती है। बेटा आपने किया प्रेशर कुकर यूज? आज रसोई में जाना सबसे पहले आपकी मम्मी खुश हो जाएंगी, अरे आज रसोई में कैसा आ गई। आज में जो है वह प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनाऊंगा। खिचड़ी तो कोई नहीं खाने का, आपने खाते हो तो आप सीधे बच्चे। अरे तो मोमोज और पता नहीं क्या क्या खाते। तो ऐसा ही एक सेफ्टी बॉल भारतीय पॉलिटिक्स में भी इजाद किया गया। वार्ड वार्ड का देखो नाम बताने के लिए तत्पर और तैयार है, मुझे मालूम था। ही देखो पता नहीं चलता, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द वासक सेफ्टी बॉल। एक तरह से वो पैरामीटर था, वो टेस्ट था, जिससे अंग्रेजों को ये पता लगता भारत के माइंड में क्या है, यहाँ के लोगों के मन में क्या उबल रहा है। असंतोष तो नहीं है। ए ह्यूम का नाम जाना है, याद रखना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एबीसीडी का आने का भी नहीं आई है। लेकिन ए रूम की अगर कोई किताब मिले आपको और खाली समय हो तो पढ़ना, गूगल पर डालना बुक्स रिटन बाय ए ह्यूम, जरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाते समय उनके माइंड में क्या था वो किताब में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। क्यों बनाया गया? तो असल बात है ना, ये पढ़ाई एंजॉय करने के लिए करनी है। आप अधिकारी तो बनेंगे, लेकिन यदि आप एंजॉय करके पढ़ेंगे तो अधिकारी अच्छी तरह बनेंगे, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन में नहीं आना, आप कुछ अचीव करने के लिए जा रहे हैं, कुछ खोने के लिए नहीं जा रहे। जो मिलेगा ही, कुछ जाने का कुछ नहीं आपके पास।
तो इसलिए हमें याद रखना है नेक्स्ट चीज जो आई इसका भी बड़ा महत्व रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस आज तक रहा होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश बाय AOU यहां से संबंधित आपके लिए मैं एक आर्टिकल लेता हूं लिखने के लिए हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री और आईएएस को कुछ ना कुछ इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट आ सकता है क्योंकि आईएएस और पीसीएस की तैयारी स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए हमें आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा और पढ़ने के लिए क्या करना है आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबके पास मोबाइल है उसमें नेट भी है उसमें यूट्यूब भी है गूगल भी है गूगल पर डालना और आपको बहुत सारे ऐसे लिखने के लिए मिल जाएंगे आईएएस वाले भी और वैसे भी उन्हें देख करके हिंदी में चाहे हिंदी में इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में दोनों में लिखे तो बेहतर होगा उनका आइडिया लेना एक टीम का नहीं है नहीं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी मैं चाहता हूं कि आपकी बुद्धि काम करे और आपको जो लिखना है वो लिखना है सर्कमस्टांसेस एंड बैकग्राउंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला क्वेश्चन हाँ हिंदी में लिखा था इंग्लिश में आ गया ना बैकग्राउंड क्या था बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इस तरह से हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि और कारण हिंदी में लिख लेना ये टॉपिक है आपके हिस्से का वर्ड लिमिट जितना आप लिख सकें अभी शुरू में कोई वर्ड लिमिट नहीं दूंगा जितना चाहे ज्यादा लिख सके वो लिखना हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के की पृष्ठभूमि और कारण ये ना अगर आप क्लास के बाद मुझसे पूछें मुझे याद नहीं होगा क्या बोल दिया अब आपको लिखना है आपके जो दिए गए पिछले हिस्से थे महिला सशक्तिकरण का वो भूपेंद्र जी के पास है मैं आज शायद होंगे तो उन्होंने चेक किया तो वो ले लूंगा दो तीन जगह चेक करके तब आपको उसमें मार्किंग किया जाएगा और फिर उसमें विश्लेषण करेंगे यहाँ पर खड़े होकर के इसमें ये कमी है इस तरह से ठीक करो उससे एक दूसरे से आप लाभ ले सकते हैं क्योंकि आपको इसी समय मेंस के लिए तैयारी करनी है मेंस के लिए अलग टाइम नहीं मिलेगा तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड राइट डाउन एन आर्टिकल और एन एसे इन दिस रेस्पेक्ट ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है जो ऑप्शनल लेकर के जाएंगे तो मैं समझता हूँ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कहीं कोई परेशानी नहीं यहाँ इतना मैं जरूर बताऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यहाँ पर उद्देश्य था एवं उनका बनाने का वो ये था कि भारत में इसे एस्टेब्लिश करके हम ऐसे भारतीयों को जो कि सिविलाइज्ड हैं पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे क्या हैं जो इंग्लैंड में पढ़े हैं वो मानसिक रूप से तो बहुत हद तक अंग्रेजी होंगे अंग्रेजी विचारधारा के होंगे तो वो जागरूक भारतीय नागरिक हैं और उनकी हम एक ऐसी एसोसिएशन बनाएं भारतीय देश जो कि जो भी समस्या भारतीयों की हो उसे हमारे सामने रख सकें और हम उसके संबंध में उसका निवारण कर सकें जिससे कि उन्हें कभी इस तरह का म्यूटिनी ना हो इस तरह का विद्रोह ना हो गदर ना हो आपको मालूम है जो गदर या विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम या जो भी आंदोलन होते हैं उनके पीछे एक ही साइकोलॉजिकल कारण होता है क्या लोगों की
इच्छाओं और उनकी मांगों को की उपेक्षा। यदि व्यक्तियों की मांगों और इच्छाओं की उपेक्षा की जाती है तो उस स्थिति में वो विद्रोह के रूप में आ जाता है सामने। और बहुत सी जगह आपने देखा होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन देखी होगी, फ्रांस की अगर क्रांति पढ़ेंगे, रूस की खूनी क्रांति हुई, तो भारत में सबक लिया, अंग्रेजों ने सबक लिया कि भारत में ऐसी क्रांति ना हो। 1857 तो हो गया, उसका सोल्यूशन ये है कि भारतीय लोगों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो हम तक किस माध्यम से पहुंचे, जिससे कि हम विद्रोह से पहले ही उसमें सुधार कर सकें। दैट वॉज द ओनली नोबल मोटिव। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और इन्होंने डिमांड रखनी शुरू करी तो अंग्रेजों से समझा नहीं मांगा। क्या था, इन्होंने डिमांड क्या रखी और इसके बाद नहीं पहुंचेंगे। पहली स्थिति हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं यूनियन द्वारा एस्टैब्लिश कर दी गई और फिर इन्होंने एक डिमांड रखी सबसे पहले 1858 में, 1885 में एस्टैब्लिश होने के बाद 1885 लिख देना है, ये लिखा नहीं गया, ध्यान रखना। इन्होंने सबसे पहले एक मांग की कि जो आपने 1861 से काउंसिल बनाई है इनमें भारतीयों का तो प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। शुरू में अंग्रेजी थे सर, भैया आप कानून जो लागू कर रहे हैं भारत में कर रहे हैं, भारत की क्या आशाएं, क्या अपेक्षाएं, क्या डिमांड है, यहाँ की परिस्थिति क्या है, अंग्रेजों को क्या पता। तो इन्होंने पहली डिमांड रखी कि जो हमारी ये गवर्नर्स काउंसिल है उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मस्ट बी मेड इन द काउंसिल। और उनकी इस बात को मानते हुए एग्जीक्यूटिव में नहीं रखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक अलग एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, नोट कर लेना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट स्टेप, इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसकी अगर विशेषता महत्व देखा जाए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, प्रथम बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया जो नीचे बनी थी। फर्स्ट टाइम इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर्स काउंसिल थी जिसके दो भाग थे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, अब वो दोनों समझ में आई होंगी। तो कांग्रेस की मांग पर सबसे पहला 1892 में ये एक्ट आया और इसकी विशेषता ये थी, हालांकि आगे तो विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन एक नजर में हम कह सकते हैं इट वॉज द एक्ट बाय विच एट द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवेन वॉज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की विधायिका परिषद में प्रथम बार, नोट कर लेना, विधायिका परिषद में प्रथम बार भारतीयों को शामिल किया गया। हाँ लिख लें, गवर्नर की विधायिका परिषद में प्रथम बार भारतीयों को शामिल किया गया।
भारतीयों को शामिल किया गया। लेकिन ये याद रखना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, इसमें भी नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन था। ये आगे है असंतोष का कारण बना, क्योंकि हम परिचय दे रहे हैं यहाँ, मैं संख्या वगैरह अभी नहीं दे रहा हूँ कितनी थी, क्या स्थिति थी, वो जब इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे, अगर पढ़ने का अवसर मिला आगे तो उस स्थिति में इन्हें मैं देकर पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट वीक जो हमारी आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1952 के बाद 1909 फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये परिणाम था मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स, मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के सजेशन के आधार पर ऑन द बेस ऑफ मोल्डे मिंटो ये असंतोष के कारण, भारत में जो असंतोष था उसे रोकने के लिए ये एक रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई। उन्होंने अपने सजेशन दिए और इनका सजेशन मुख्य रूप से काउंसिल के बारे में था और उसे ठीक करने के लिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एग्जिस्टेंस में है। इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रिप्रेजेंटेशन
लेकिन कार्यपालिका परिषद में ऐसा कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया। ऐसा कोई प्रतिनिधित्व का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कि हम चुनाव में चुनते हैं अपने एमपी एमएलए को, इस तरह के किन्हीं भारतीयों को इसमें नहीं रखा, सीधी सी बात। इसमें जो कार्यपालिका परिषद जो एग्जीक्यूट करती थी, जैसे हमारे यहाँ पर इस समय है, एक तो कानून बनाने वाली है, एक सरकार है, तो सरकार के माध्यम से जब हम देखते हैं तो उस चीज को ध्यान रखते। इसके साथ नेक्स्ट चीज में हम जो पहुंचते हैं 1909 के बाद मोंटेस्क्यू चर्च फोर, उसे याद रखेंगे कौन सी, हाँ लिख लें उसे इंग्लिश में लिख लें, बट नो सच रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय दिस एक्ट टू द इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर भी जब असंतोष रहा तो हम कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू चेम्स फोर्ड कमेटी एक बनाई गई, कमीशन कह सकते हैं, मोंटेस्क्यू चेम्स फोर्ड नाम इनके, ये तो इंग्लिश में ही रहेंगे, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा लगता होगा बच्चों को, कुछ भी कह रहे हिंदी में क्या कर रहे हैं, हिंदी में मोंटेस्क्यू चेम्स फोर्ड ही पढ़ना पड़ेगा, आपका नाम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, जो नाम वही रहेगा, इस तरह अंग्रेजों का नाम भी हिंदी में ही रहेगा। तो याद रखना मोंटेस्क्यू चेम्स फोर्ड दो है, इसमें एक वहां के प्रधानमंत्री थे मोंटेस्क्यू, वायसराय, तो उन दोनों की कमेटी बनाई गई। और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक रिपोर्ट अपनी पेश करी और रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया। अब यहां पी का क्वेश्चन आता है, मोंटेस्क्यू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट के आधार पर कौन सा एक्ट आया? जी बस ये उसका आधार, वो यहां पहुंचना है, इसके आधार पर क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और एक क्वेश्चन और यहां नोट कर लें, बेसिक बिल्कुल, कि कौन सा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, विच वन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कौन सा प्रथम संवैधानिक दस्तावेज, ये कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहला संवैधानिक दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट 1919 है, जिसके अंतर्गत कोशिश ये की गई कि भारत के लिए एक संविधान की व्यवस्था की जाए, भारत को संविधान के अंतर्गत रखा जाए। और ऐसी स्थिति में जो गांधी जी थे, ये प्रपोजल जो इस एक्ट के माध्यम से था उसे रिजेक्ट किया 1920 में इसे रिजेक्ट करके एसआईओ मान लो, कब आया 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और ये कहते हुए कि अगर संविधान बनाना होगा तो हम भारतीय अपने आप अपना बनाएंगे। हु आर यू टू इंटरफियर इन अवर ओन सिस्टम। तो यहां से 1920 को हमें याद रखना है, इसके साथ याद रखते हुए जहां से हम कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की चीजें और आगे बढ़े, यहां कह सकते हैं इसके साथ रखते हुए 1920 गांधी जी रिफ्यूज द प्रपोजल टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। By British Parliament, गांधी जी ने इंदिरा गांधी 1920 में गांधी जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान का निर्माण करे और ऐसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ करे। उन्होंने कहा कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, आप हमारे संविधान में इंटरफेयर ना करें, हमें मालूम है हमारी क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। आगे प्रोसीड करें, आगे ना यहां पर थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज मेरा टारगेट इतना तो है ही कि आप ये समझ सकें कि कॉन्स्टिट्यूशन किन पृष्ठभूमि के अंतर्गत एग्जिस्टेंस में आया। इसके साथ 1919 से असंतुष्टि को देखते हुए, इस एक्ट को देखते हुए, इसमें सुधार करने के उद्देश्य से सुझाव देने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी 1924 में बनाई गई जिसे इसी नाम से जाना गया। इसका मुख्य कार्य सुधार करना है और 1924 के सुधार के आधार पर 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया जिसके बारे में आपने सुना होगा, साइमन वापस जाओ। लेकिन साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन जो 1924 की रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी थी, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी थी 1919 के एक्ट के बारे में, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी 1924 ये असंतोष को देखते हुए 1919 के एक्ट में सुधार करने के लिए लाई गई। लिख ले, नोट कर ले इसे। 1924 में एक कमेटी इस उद्देश्य के लिए गठित की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असंतोष और विरोधों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असंतोष और विरोध को ध्यान में रखते हुए एक सुझाव कमेटी नियुक्त की गई
1924 में, और उसके आधार पर भारत को संवैधानिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु साइमन कमीशन 1927 में भारत भेजा गया। सुझाव कमेटी के आधार पर भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु तथा स्वशासन देने हेतु, कुछ भी कह सकते हैं, स्वशासन देने हेतु सुझाव देने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया और इससे पहले 1924 की कमेटी, यह संतोष असंतोष का परिणाम था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में कोशिश यह की गई कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं, उनका इलेक्शन भी कराया जाए। और इस संबंध में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के साथ उसके आधार पर अब एक क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस कमेटी की रिपोर्ट पर आया, कमीशन की रिपोर्ट पर आया? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, याद रखना। साइमन कमीशन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये एक तरह से लैंडमार्क है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं जी, हाँ इंग्लिश में लिखा रहा हूं। टू को अप विद द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द लीडर्स of Indian National Congress. First of all, Reform Inquiry Committee was constituted in 1924 was constituted in 1924 and on the basis of the report of such committee, Simon Commission proposed for Indian representative government constituted by Indians at the very first time. Proposed for representative election by the peoples of India. भारतीय लोगों के द्वारा ही इलेक्शन के लिए प्रस्ताव रखा गया, एक संघात्मक व्यवस्था देने की बात की गई, फेडरल सिस्टम। एट द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया द फेडरल सिस्टम वाज अडॉप्टेड
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फेडरल सिस्टम समझते हैं ना, प्रोविंशियल काउंसिल्स, हर राज्य की अलग अलग प्रांतीय परिषद का गठन किया गया, किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम देन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हैज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। Representative government was introduced, was trying to introduce by this report of the commission and in the government of India. Government of India के अंतर्गत ये report दी गई कि भारतीय लोगों के द्वारा ही यहाँ का शासन होना चाहिए, इसलिए provincial council जैसे हम कह सकते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग election किए गए, उनके election के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों के आधार पर सरकार चलाने की व्यवस्था रखी गई। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट प्रेजेंट ऑल्सो। एक और चीज, अभी हम जब प्रीएम्बल देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई प्रीएम्बल नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। मालूम है क्यों नहीं है प्रीएम्बल? क्योंकि इनका लक्ष्य कोई था ही नहीं। अंतिम लक्ष्य क्या था? किसी तरह से भारतीय को संतुष्ट करना, तो प्रीएम्बल में नहीं लिखा जा सकता। हमारी भारत की वर्तमान प्रीएम्बल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने अपने एस्पिरेशंस रखे हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विशेष है और जिसे हम कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो द बेस। और नहीं, वो तो अलग चीज है, दूसरी तरह का क्वेश्चन होगा। विच अमेंडमेंट देखें, नहीं, दो क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है विच अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये क्वेश्चन है तो 42वां संशोधन है। दूसरा, अगर ये पूछा जाता है विच इनएक्टमेंट इज कंसिडर्ड, चार ऑप्शन देंगे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब वहां ऑप्शन ही नहीं होगा तो कुछ तो लगा होगा ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दो चीजें हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है उसमें 42वां संशोधन नहीं है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न क्या उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, बस दो मिनट में कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसलिए इसे थोड़ा सा वो जो है लक्ष्मीकांत जो है ना उसे देखना, वहां कहीं लिखा मिलेगा है ना, या जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो शुक्ला देखना, बीएन शुक्ला, वो लक्ष्मीकांत आपके लिए ठीक है, ज्यादा गहराई में मत जाओ। बीएन शुक्ला मैं उनके लिए रिकमेंड करता हूँ जो पीसीएस के और एग्जाम देना चाहते हैं, जो केवल लॉ से संबंधित, उतनी गहराई में जाने की आपको जरूरत नहीं, जो उसमें कोशिश करूंगा मैं आपको दे दूँ। क्योंकि जब दो क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार आया, हाँ उसका अंतर ये है, हमारा क्वेश्चन का एक तरह से हमारा उद्देश्य दूसरा है, हम वहां केवल अपने भारतीय संविधान की बात करें। वी आर कंपेयरिंग देयर ओनली द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम भारतीय संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो उन संशोधनों में कंपेयर करते हुए कह रहे हैं, कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन, कंपेरिजन अगर करें 24वां संविधान संशोधन है, 42वां, उसमें वही मिलेंगे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि संशोधन आ गया। लेकिन जहां क्वेश्चन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से कौन सा, वहां तुलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, और ये शायद अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में ये भी लिखा है किसने ये कहा है कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो नाम मुझे याद नहीं है इस समय, मैं देख करके बताऊंगा कहीं मिलेगा तो, लेकिन ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसलिए कहा गया क्योंकि एक तरह से हमारे वर्तमान संविधान की झलक इसमें दिखाई देती है। दोनों आएंगे सकते, क्वेश्चन ही अलग होगा ना, अगर वहां पूछा जाता है, अगर मान लिया आते भी हैं और क्वेश्चन ये है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इज द मिनी इज कंसिडर्ड क्या नाम इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब वो तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो अमेंडमेंट पूछ रहे हैं, अगर एक्ट देते हैं तो आपको अमेंडमेंट पे निशान लगाना है।
तो हमें जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आंसर क्या होगा, हमेशा शास्त्र पे एक आंसर सही नहीं है, वे भी गलत नहीं कर रही है, लेकिन वो उस पैटर्न के ऊपर है जो क्वेश्चन। अगर वहां पूछा विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया, वहां आप निशान लगाते तो गलत होगा। आई थिंक दैट एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट, कहीं कोई प्रॉब्लम पूछ लेना। वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है पीछे ये बात कर रहे हैं? मेरी समस्या मैं एकदम टोक देता हूँ बात करने वाले को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका कंसंट्रेशन हो, और आज उस कंसंट्रेशन के लिए प्रभाव पता क्यों दिखाई दे रहा है? किसी का ध्यान इधर है उधर है, उसका क्या मेडिटेशन नहीं करा आप लोगों ने? चलो दो मिनट में आप करते हैं, उसके बिना मजा नहीं आता, तसल्ली नहीं आती है ना। आज बाद में कर लेते हैं, अभी तो एक क्लास होगी आपकी, काम में फिर से एनर्जी आ जाएगी, उससे क्या है कंसंट्रेशन बनेगा। तभी आपने समुद्र देखा है, अब मैं दिखाता हूँ यही बिना खर्चे। आप ये एहसास करना कि आप समुद्र के किनारे पिक्चर में टीवी में कहीं तो देखा होगा, नहीं भी देखा होगा कहीं, आप जो दुकान पे जाते होंगे वहां पोस्टर लगे देखे होंगे समुद्र, उसके पीछे से वो निकल रहा है सूरज, उसी पोस्टर को देख लेना, लेकिन जीवन को देखेंगे तो बेहतर होगा। आपको केवल क्या करना है, कमर फीलिंग करनी है सबसे पहले, हमेशा आपका पोस्टर सीधा होना चाहिए। मैंने बताया था छपकली वाली बात याद होगी, नहीं गलत हो गया, बरसात के दिन चल रहे हैं, आपके घरों में मच्छर छोटे छोटे तोता आते होंगे ना, उन्हें खाने के लिए कौन आता है? एक बार जब वो छिपकली उसे पकड़ने की तैयारी में हो तो उसका शरीर का पोस्चर देखना, आप कितने ढोल ढपले बजाओ, कितना ही कुछ करो, जब तक कि उस पर वार नहीं करते तो हिलेगी नहीं, कहाँ ध्यान होता है उसका? भैया जब उसका टारगेट है इतना सा तीतर, इतना छोटा सा मच्छर है, उसके लिए इतना कंसंट्रेशन चाहिए, आईएएस तो भारत की सबसे बड़ी सर्विस, उसके लिए कितना कंसंट्रेशन चाहिए? क्योंकि मैं आज उस बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी देख रहा हूँ, या तो वो इधर उधर देख रहे हैं, या बात कर रहे हैं, या फिर लेक्चर बोरिंग हो गया, लेकिन आज नींद नहीं आई किसी को, अच्छी बात कई बार नींद भी पा जाती है। तो हम दो मिनट के लिए केवल ध्यान करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार, और एक महसूस करना जब एक लय ताल के साथ तरंगों के साथ हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उस समय आपको माइंड में महसूस करना है कि वो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा जो हम समुद्र के किनारे बैठ करके देख रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में आ रही है। सुबह का सूर्य देखना है, दोपहर का नहीं, लाल लाल सूर्य, और ये जो पंखों की आवाज है ना, इसका लाभ उठाओ, ये समझो, देखो आंख बंद करके देखो जैसे लहरें, समुद्र की लहरों की आवाज है, महसूस करो, और यहाँ से सीधे समुद्र के किनारे पहुंचना है दो मिनट, और फिर मजा देखो, तीन बार करेंगे, कंसंट्रेट करो, कमर सीधी एकदम, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान भाव बनाएंगे कि सूर्य देव के सरिता देवता हमारी बुद्धि को संवाद के प्रेरित करे, हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई में केंद्रित हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस काम को करके उसके बाद मैं भूपेन जी के लिए एक अच्छे मन स्थिति के बच्चे देकर के जाऊंगा, ध्यान करें, कंसंट्रेट करें, कमर सीधी, गहरी लंबी सांस, बार किया घर पर सुबह करेगा तो बहुत मजा आएगा।